रांची से, जहां पर सीएम सोरेन को ईडी ने फिर समन भेजा है और ईडी ने सीएम सोरेन को फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। 27 से 31 जनवरी के बीच ये पूछताछ हो सकती है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है, सीएम सोरेन को ईडी ने एक बार फिर समन भेजा है और ईडी ने सीएम सोरेन को फिर पूछताछ के लिए बुलाया। 27 से 31 जनवरी की वो तारीख हो सकती है जब पूछताछ के लिए बुलाया गया। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है, सीएम सोरेन को ईडी ने एक बार फिर समन भेजा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी अभी पूछताछ हुई थी और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज हमारे साथ जुड़ गए। सूरज, देखिए, एक बार फिर यह समन भेजा गया और यह कहा जा रहा है कि 27 से 31 जनवरी के बीच पूछताछ हो सकती है, इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल, इससे पहले भी आपने देखा कि 20 तारीख को मुख्यमंत्री आवास में लगभग 7 घंटे तक ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की थी, लेकिन ऐसे कई सवाल थे, उन सवालों का जवाब मुख्यमंत्री नहीं दिए थे और समय की कुछ कमी होने की वजह से ईडी पूरी तरह से पूछताछ नहीं की थी। उसके बाद ईडी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री से पूछताछ के लिए 9वीं समन उन्होंने भेजा है और ये समन जारी करके 27 जनवरी से 31 जनवरी तक की ये जो बीच का जो ड्यूरेशन है, इसी तारीख में ईडी के अधिकारी पूछताछ करना चाहते हैं। ईडी के अधिकारियों अपने संबंध में यह भी कहा कि मुख्यमंत्री स्वतः ईडी दफ्तर आ सकते हैं या फिर वो समय बताएं, दिन बताएं, मैं खुद आ जाऊंगा पूछताछ के लिए। तो कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से 9वीं समन के आलोक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारी पूछताछ करेगी। हालांकि देखिए, सारा मामला रांची के बड़गाई अंचल का यह मामला है, जिस तरह से लैंड स्कैम हुए थे उस स्कैम को लेकर जो ईडी को जानकारियां मिली थी, जो कागजात मिले थे, उस आधार पर ईडी के अधिकारी पूछताछ करना चाहते हैं। हालांकि ये कह सकते कि एक बार फिर से ईडी ने समन भेजा है और समन भेजने के बाद एक बार फिर प्रदेश में राजनीति का जो माहौल है वो फिर से एक बार देखने को मिलेगी। बिल्कुल सूरज, देखिए, एक तरफ जहां ये दिक्कत सामने खड़ी हो जाती है, पूछताछ हो रही है और एक प्रोसेस के तहत समन भेजा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो एक विरोध देखने को मिलता है, यानी कि राजनीति हो रही है इस मुद्दे पर। देखिए, आपने देखा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने समय निर्धारित करके ईडी के अधिकारियों का अपने आवास बुलाया था पूछताछ के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसियां हैं उन्हें सुरक्षा को लेकर उन्होंने जिस तरह से डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को पत्रचार किया था, उसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई थी, स्कॉट करके लाया गया था, बिल्कुल, यानी तमाम एहतियात भी बरते गए थे। और ऐसे में अब देखना होगा कि देखिए, जो कुछ अब एक बार फिर जब यह समन भेजा गया है तब क्या कुछ तस्वीर सामने आती है जब ईडी के अधिकारी यहां पर पूछताछ के लिए पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।